이거 보다 훨씬 더 수준이 많았으니까 Tamam fırlatın, kabiliyetin, galabat fırlatın, kusura gönlü kutubullah, sadakullahu maulani azim. Kallahu ta'ala fi kitabihi al-mahkama kitabihi al-mahkama wa ta'alahu ahsan. Illa allahu maraikatahu yusulluna al-nabi. Ya ayyuhal lazina adun sallu alayhi wa sallim tasmima. As-salatu wa sallamu alayhi wa sallim wa rasulallah wa alayka wa sallam. कायदे मिल्लत इस्लामिया लफ्ज़ी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान जनूबी पंजाब के अमीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहिब और डिवीजन भालुपुर के अमीर सैयद मोहम्मद आमद शाह बुखारी साहिब शिमाली पंजाब के नाज़िम आला गुलाम बास फैजी साहेब दीगर अहदेदारान तहरीक और जुमला गुलामान रसूल आप और मैं इस वक्त भागलपुर की सरजमीन पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस अजीम इज्तिमा में आते हैं मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रह रहे हैं जो पौनी सदी पहले मार्ज वजूद में आया जिसके लिए 22 लाख शहादतें हुई करोड़ों लोग बेघर हुए हजारों इज्जतें लुटी इसलिए नहीं कि यहां नून लीग हुकूमत करेगी और इसलिए नहीं कि यहाँ मीडिया ही हुकूमत करेगी इसलिए नहीं कि यहाँ पीपल पार्टी हुकूमत करेगी बल्कि इसका मकसद एक ही था कि चूंकि ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की है तो यहाँ निजाम भी अल्लाह उसके रसूल का होगा और अमीर मुजाहिदीन कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खाजा हुसैन रिजवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह जो पूरी उम्मत के मोहसिन हैं उन्होंने एक ही पैगाम दिया है कि ना तू जमी के लिए है ना तू जमा के लिए है तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के परचम को बुलंद करना है और तहरीक लबैक पाकिस्तान बिहम्दिल्ला बंद कमरे में नहीं बल्कि सरे मैदान हुजूर की इज्जत और नामूस पर तरह दे रही है हालात जैसे भी हुए तहरीक लबैक पाकिस्तान ना दिखी है ना छुपी है किसी एक कारकुन ने भी नहीं कहा कि डोंट यू टच मी किसी एक कारकुन ने भी ये नहीं कहा श्री मजारी तो कह रही थी ना ये डाउन जो टच मी बल्कि हुजूर के गुलामों ने हाथ आगे करके कहा इधर आ सितम कर हुनर आजमाए तू तेरे आजमा हम जिगर आजमाए अल्लाह पर कोई मार गया मौत तो डर डर के कोई मौत वेख के हंसे आए उजड़ गया तू अपने देश अंदर कोई बिच प्रदेश का बसे आए वेड़े दसे बिच मैदान कर बल केड़ा खड़ा रे है केड़ा नसे आए औखे वक्त सलीम ना मर डोल ए ते आका हुसैन ने दसे आए तहरीक लबैक वाले एक आम
कारकुन से लेके अपने कायद तक मैदान में खड़े रहे। कोई एक कारकुन भी ना भीगा है ना झुका है। और इंशाल्लाह कहीं के पैद के लोग हुजूर के गुलाम क़यामत तक ना झुकेंगे ना भीगेंगे। मुल्क पाकिस्तान इस पास से नून लीग काफी पीटीआई पीपल पार्टी और भी कोई सियासी जमात अगर रात में पैदा हुई हुए मेरे स्टेज चक्कर तो कह लो कोई जम भी हुए पैदा हुई हुए और समेत हर पार्टी का मकसद अंग्रेज के निजाम को मजबूत करना है और अंग्रेज के निजाम की हमायत करना है। तहरीक लखनऊ पाकिस्तान का मकसद ना किसी नून लीग ना एडजस्टमेंट करना है ना पीटीआई ना एडजस्टमेंट करना मकसद है बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूस से पैदा देना मकसद है। यानी कायनात की हर पार्टी सियासी पार्टी मुल्क पाकिस्तान अंग्रेज के निजाम में खड़ी है और तहरीक लखनऊ पाकिस्तान हुजूर के इज्जत और नमूस और खत्म नबूवत के परचम को थाम कर खड़ी है। क़यादत को 2-4 हज़ार बंदे 2 लाख बंदे नहीं करते बल्कि होते गिने चुने हैं 1-2 बंदे होते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी 1 लाख बंदा नहीं मंगे बल्कि 1 बंदा ही मंगे। और आप इकबाल कहते आग उसकी फूंक लेती है वरना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन वरना के अंदर जवान नु दे पीर के अंदर बुढ़े नु आग उसकी फूंक देती है पर ना वो पीर को लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन होता है तो हो दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। इकबाल कहने तो बंदे करी करी पैदा होते ने जेडे ठीकरी नु सोना बना दे वो बंदे कभी कभी पैदा होता है कहो दस्त में पैदा कभी कभी वो मर्द जिसका फकर खजफ को करे नगी। तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से लिख खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जमीन ऐ तू आप फैसला करना है मैं अपनी बनने क्या जनाब मेहरबानी फरमाओ तहरीक लखनऊ में वोट जरूर दो तहरीक लखनऊ का गुजारा नहीं मैं अपनी बनने लगा पैरों अपनी लान लगा तो मैंने समाधान नहीं कर लगा ये फैसला तुझे हम आप करना इंशाल्लाह। एक बात कहना तू अपनी सरनविश अब अपने कलम से ले खाली रखी है खाम आए हक ने तेरी जमीन और तू एक बार से नून लीग के काफरी के पीटीआई पीपल पार्टी चाहे उन कुफर की बेड़ी से चढ़ जा जिदा दीन की बेड़ी से चढ़ जा ये तू फैसला आप करना तैयारी के लिए पैक ने आखिरी बनने तो पैरों आखिरी ना ऐसे माहौल के अंदर जो एक तरफ हर सियासी पार्टी कुफरिया निजाम की हमायत से खड़ी है और दूसरी तरफ तहरीक लखनऊ पाकिस्तान नबीला खान की इज्जत और नमूस से तरह देने खड़ी है ये तो फैसला आप कर रहे हैं। इधर जाना है क्या इधर जाना है हाथ चल जाना कि बादल जाना है सच चल जाना कि झूठ चल जाना है तसन्नो बनावट चल जाना है कि हकीकत चल जाना है खाली रखी है काम आए हक ने तेरी जमीन ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां हिम्मत ऊपर कुछा तो हकीकत में कुछ नहीं ऐ जड़ी गुंबद बड़ी फिरती ना जी साढ़े सिर से पहले गोलियां चला रहे सन शैल मार रहे सन बेहोश कर रहे सन शहादत हो रही सन जाना ला रहे सन उदो बकवास कर रहे सन ये तो गलतन हो गई है इसका वजूद खत्म हो गया है इसका कोई नाम नहीं लगा और पुत्र तहरीक लखनऊ खत्म नहीं हो रही तुम खत्म होकर रह जाओगे। तहरीक
تحریک پیک انشاءاللہ قیامت تک موجود ہے انشاءاللہ حضور کے غلام قیامت تک رہیں گے تجھے مٹ جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے یہ نیل کی فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں یہ تو اسی دیکھے نا پریکٹیکلی طور پہ پریکٹیکلی دیکھے تو ہمت پر کشا ہوئے تھے پھر کچھ نہیں کی یہ گولیاں کی نے پرسے کی نے ایسے جناب دیکھے جیل دے عالم کٹ سن نا ہوں جیل دے عالم بہت زیادہ ہو گئے میں جی استار میں چکر لا کے آیا نا تو کی ہو گیا میں ان کی زندہ سلامت تھوڑے سامنے کھڑا ہوں کی ہوا یہ تو گل کوئی نہ جی اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہنا کہ اتنا مزہ آزادی کا نہیں آیا جتنا مزہ جیل چ رہن کا آیا جتنا مزہ جیل رہن کا آیا اللہ کے رسول کی عزت کی قسم اینا مزہ آزادی کا نہیں آیا جنا مزہ جیل رہن کا آیا اینا مزہ اللہ رسول کی عزت کی قسم اینا مزہ پیر بن کے باہر ہاتھ منوان کا نہیں آیا جنا مزہ کئیاں لوا کے آیا یہ نیل کی فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں بالائے سر رہا تو نام اس کا آسمان جو اتنے رہے گا اتنے لوگ رہیں گے کہ پھر حکومت رہے گی نا بالائے سر رہا تو نام اس کا آسمان زیر پر آ گیا تو یہی آسمان زمین تے مالک نے کوئی کائنات نہیں دکھایا نا پہلے پہلے آسمان بنیا سی ہن زمین بھی نہیں انہیں میں جناب چیخ رہی ہیں انہیں چیخ چیخ نہیں کیوں ٹچ نہ کرو جناب تو انہوں کی ہو گیا ہے تو اسی مدینیوں آئی ہیں ہو یہ تحریک لبیک کے لوگ ہیں جنہوں نے کڑیاں پہن کے حضور کی عزت اور ناموس پر درہ دے کے پھر بھی فخر کیا ہے پھر بھی فخر کیا ہے اور ہے بھی فخر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر درہ دینا اور کڑیاں لگوانا جیلوں میں رہنا پھر اپنے اذان پر قائم رہنا یہ اللہ اس کے رسول کا فضل ہے اللہ رسول کی عنایت ہے اور تحریک لبیک پاکستان محض اللہ اس کے عنایت اللہ اس کے رسول کی عنایت سے کھڑی اور انشاءاللہ میدان میں کھڑی رہے گی ہم حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے اب بھی حاضر ہیں اور آخری سانس تک ہم حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں ہم حضور کے ساتھ وفا کریں گے حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں گے اور آخری بات یہ ہے کہ جب کوئی جن کو بندہ تیر تھے بلے تھے لمر تھے مور لا رہا ہوگا تو قائد نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ نورلی اے جناب شیر تھے مور لا رہا ہے یا لمر تھے مور لا رہا ہے تیر تھے مور لا رہا ہے ہاں یہ کل ضرور ہے کہ جن کو بندہ کرین تھے مور لا رہا ہوگا پھر مدینہ کا تاجدار دیکھ رہا ہوگا کہ میرے نہ وفا کر رہے کہ میرے وفائی کر رہے صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لا تقیم سر بجائب ایک کریم سر بکف دین میں بہت دینا دی لوڑ نہیں دنیا مندی زورا نو تے دکھ لانت کم دورا دین میں بہت دینا دی لوڑ نہیں ایک لکھ بندہ جنہیں جناب
ਬੁਕਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰੇਬਾਨ ਚ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਜੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲੋ ऐसे लाख मंदिर दीन नु लोड़ नहीं सोबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज खास ना हकीम सरबत है एक करीम सरबत लाख बंदे बोलते एक पासे एक बंदा जिने जान और पूरी खातिर तली ते रखी होवे वो फिर भी भारी है गाजी मुतरी शहीद लखा बजने भारी है गाजी मुमताज कादरी लखा बजने भारी है और एक अमीर मुजाहिदीन करोड़ों बोतलों ने भरी है नीले सितार ना सजा लश्कर के सिपाही का सफ आज दिए नहीं जिसको न हो कोई हसब नीले सितार ना सजा लश्कर के सिपाही का सफ आज दिए नहीं कश जिसको न हो कोई हसब इकबाल कह रहा है चलो रान ला बेहसन ओना कोशिश करे सूत की गाली कोई ना हो नबी अकरम ने वफा करने की यारी ना हो जो सफा टूटिया हो सफा बकरिया हो मीरे सिपा का सदा लश्करियां शिकस्त सफ आ वो तीरे नीम कश जिसका ना हो कोई हदर ए जिंदगी कैडी जिंदगी है जिदा निशाना ही कोई नहीं ए निमाजा कैडियां ए ए इलम कैडा जिन बाबे ने कहना तो भाई ए इलम कैडा जिदा सिर्फ जनाजे वास्ते वे ਤੇ ਸਕੂਲ ਖਾਣੀ ਆਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਆਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਆਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਤੇ ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ دین ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿਪਾ ਨਾ ਸਦਾ ਲਸ਼ਕਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਤਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੀਂਦ ਕਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਹਦਫ ਤੇਰੇ ਮੁਹਿੱਤ ਮੈਂ ਕਹੀ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਟਟੋਲ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁਹਿੱਤ ਮੈਂ ਕਹੀ ਦੋਹਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਚੁਕਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਮਾਂ ਢੂੰਡ ਚੁਕਾ ਸਦਫ ਸਦਫ तेरे ते गैरत वाली गल ही कोई नहीं ते जे साडे च गैरत वाली गल होंदी ना फिर पौनी सदी अंग्रेज दे निजाम ने तख्त राज नहीं करना इसलिए ते असा कलमा अंग्रेज दा ही पढ़िया असी ते कलमा हुजूर दा पढ़िया हर बंदा कहंदा है जनाब मैं पक्का सच्चा आशिक रसूल हां मैं पक्का शेर रसूल हां असी स्टेज आले सारे कहिए जनाब असी पक्के आशिक रसूल हां उधरों आवाज आ जानी जेडी जनाब स्टेज आले सारे झूठे ने मैं आशिक रसूल वड्डा वा जे सारे पिंडा वाले कहन ते दीवारां ते बैठा तो बंदा कह देगा नहीं जनाब सारे झूठे ने मैं वड्डा आशिक रसूल हां और इकबाल कहंदा कि पूछ उस सकत मकबूल है फितरत की गवाही तू साहिब मंजिल है के भटका हुआ राही काफिर है मुसलमान तो ना शाही ना फकीरी मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही तो बेतेग फिर लोग लड़े ना बाबा जी ने मैदान तो चल के तो वजीरा बाप तक पहुंचे उदो सी आफता उठे बैठे सर उठे रमजो ही माँ इस्तेमाने के लिए मैं इशारे के लिए गल नहीं कर लगा रमजो ही माँ इस्तेमाने के लिए मौतू नहीं और आता भी नहीं मुझको सुखन साजी का फन कुंभे दिल्ला कह सकते थे जो रुष्ट हुए और खान का होंगे मजावर रह गए या गोर कर अजनौसी उठे बैठे था इस्लामाबाद ते वजीराबाद तो लड़के चल के अगे दरिया तक चंद लड़के पहुंच चुके सन बाकी काफिला चल रहा था अगे इस्लामाबाद की तरफ ते ओदो कैफियत उत्थे की सी इत्थे की सी ओदो सानू पता ना भाई अगर तुहाडे जुरत है ते फिर कहण दी की लोड़ है आफिस साहब जनाब पहले उन्होंने दसो फिर गल करने हैं अगर हम मरने के लिए निकले तो ये हाल है और अगर हम मारने के लिए निकले तो फिर हम क्या होगा अला तहरीक ले बेत पाकिस्तान का मकसद कतन है नहीं साडा मकसद मारना नहीं हुजूर दी खातिर सीने खोल के मरना जरूर है ए मकसद जरूर है और मौला कायनात शेर खुदा ने दुरुस्त फरमाया कि जे तुसी अमन चाहते हो ना फिर जंग वास्ते तैयार रहो तहरीक ले बेत पाकिस्तान का मकसद अमीर मुजाहिदीन की जुबान में ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है फकत हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है
ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਪਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲੀ ਨਾ ਕਾਫਲੀ ਨਾ ਪਿੱਠੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆਲਮੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਨਮੂਸ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੱਭੇ 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 ਜੀ